Hello students, we will continue our study with topic SCF. SCF means highest common factor. So students, हम SCF निकालना सीखेंगे. उससे पहले देखते हैं SCF होता क्या है. SCF का फुल फॉर्म होता है highest common factor. Highest common factor. How to find SCF? SCF फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है? तो उसकी हमारे पास दो मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम वन बाय वन एक एक को देखते हैं. सी, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमें 20 और 30 का SCF निकालना है. तो उसके पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 20 को इस तरह से लिख लेंगे. ठीक है, अब पहले इसे सॉल्व करेंगे 20 को. ठीक है, वन स्पेस पर 0 है ना, और यहाँ पर 2 है, तो 20 2 के टेबल में आता है. यस, आप सभी को पता है कि 20 2 के टेबल में आता है ना. कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स. तो इट मीन्स 20 डिविजिबल है 2 से. तो हम यहाँ ले लेंगे 2 10 जा 20. पूरा डिवाइड जा रहा है तो ही हम लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट नंबर लेंगे. ठीक है, तो 2 10 जा 20. इसी तरह से 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स. हमें हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है जब डिवाइड क्या हो, पूरी तरह से चला जाए. अब 5 में 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा. इसी तरह से 3 से अगर हम 5 को डिवाइड देंगे तो क्या पॉसिबल है, नो, रिमाइंडर बचेगा. रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, अगर हमें इसमें अगर कोई नंबर लिखना है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हमारा. रिमाइंडर हमेशा 0 होगा तो ही हम नंबर लेंगे. तो अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, 5 5 1 5. ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, 1. अब हम 30 लेते हैं. ठीक है, अब 2 से क्या 30 को डिवाइड जाएगा, यस, वन स्पेस पर 0 है ना, तो 2 5 10 होता है. इट मीन्स 30 को 2 से डिवाइड जा सकता है. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 30 से हमने 2 को डिवाइड दिया, 2 1 2, 3 में से 2 गए 1, क्या नोट करा, 0, 2 5 10. ठीक है, कितना आया रिमाइंडर, 0 है. क्वेश्चन कितना आया, 15. डिवाइड जा रहा है, इट मीन्स मैं यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ और यहाँ पर क्या लिख दूंगी, क्वेश्चन 50. ठीक है, अब क्या 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है. 2 7 14 आता है, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, है ना. तो अब हम 2 नहीं लेंगे. 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है हमारा, 3. तो हम 3 ले लेंगे. 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स. देन 5 1 5. क्लियर है, अब हम फैक्टर्स लिखेंगे. तो 20 के फैक्टर्स लिखेंगे क्या है, सभी मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. ठीक है, इसी तरह से 30 के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब जो कॉमन आ रहे हैं, जो दोनों में है, दो बार है हमारे पास, दो नंबर्स के नंबर SCF निकालना है हमें, तो हम जो दोनों में होगा वो उसको हम 1 टाइम्स लिखेंगे. तो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2, और ये 5 भी कॉमन आ रहा है. तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा HCF, 2 5 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्लियर है स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन करते हैं. 20 36 और 56 का हमें HCF निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मेथड कौन सी है हमारी, प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, निकालते हैं, वन बाय वन सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमने लिया 20, पहले 20 को सॉल्व करते हैं. 2 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स. फिर 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स. 5 1 5. हमें यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की थी कि हमें हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है. ओके, जितने भी नंबर हम यहाँ लेंगे वो सभी हमारे प्राइम नंबर होते हैं. ठीक है, अब 36 लिया, वन स्पेस पर 6 है जो कि 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से डिवाइड देंगे 36 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 18 टाइम्स. ठीक है, और इसके बाद 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स. अब 9 में 2 का डिवाइड जाएगा, तो अब हम 3 से देंगे. 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स. देन 3 वन जा
3। इस तरह से 1 आ गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 56 वंस प्लेस पर क्या है 6, इट मीन्स इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि डिवाइड जा रहा है या नहीं तो आप डिवाइड देकर दे सकते हैं। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, क्या नोट करा 6, 2 8 जा 16, कितना आया 28। तो 2 को जब 56 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 28। अगेन इसमें 2 का डिवाइड जाएगा 8। 14 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स। अब 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर, तो क्या प्राइम नंबर 7 में 3 का डिवाइड पॉसिबल है? नहीं, है ना। 3 से 7 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम 3 नहीं ले सकते। 5 लेंगे, नहीं 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम क्या ले लेते हैं 7। 7 1 7, ये हो गए, तीनों में 1 1 1 आ गए। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, ये हमने 20 के फैक्टर्स लिखे। 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 36 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। ओके, अब हम 56 के लेंगे, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 7। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कॉमन नहीं निकालना, आपको इन तीनों में जो नंबर होगा वही आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो 2 है वो इन तीनों में है और यहाँ पर भी 2 इन तीनों में है। ठीक है, अब 3 इसमें है केवल, 5 भी केवल इसमें और 7 भी केवल इसमें, तो हमें सिर्फ वही नंबर लेना है जो तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बार 2 है। ठीक है, दोनों में तीनों में। अब हम जो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे इनका कॉमन फैक्टर्स का, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, SCF इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये SCF निकालने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गई होगी। ओके बाय।